जी, एहसास फाउंडेशन का एक और स्टेप है। इससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी, इवन प्रिंट मीडिया पर भी, कि एहसास फाउंडेशन ने एक अच्छा कदम तब उठाया था जब किश्तवाड़ में 95 मकान यानी कि पूरा गांव ही खाकस्तर हो गया था। तो वहां भी हमने एक रिलीफ का ट्रक भेजा हुआ था। वो कैंप हमने स्माइल फाउंडेशन और ग्रेटर शहरी खास के साथ किया हुआ था। उसके बाद कुपवारा में 9 मकान जले थे, वहाँ पर भी हमने मदद पहुँचाई जितनी हमसे हो सकी। और बटमालों में 2 फैमिलीज़ आग की वारदात में उनके 2 घर जले हुए थे, वहाँ पे भी मदद पहुँचाई। और हमने सोचा कि एनजीओ है तो टैग ये लगाया जाता है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ऐसा नहीं है। लोगों तक हम बात पहुँचा दें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अक्रॉस कम्युनिटीज़, अक्रॉस रिलीजन्स मदद करती है, जिसमें हमने ये कैंप लगाया है, जिसमें कश्मीरी पंडित जो मिश्री वाला कैंप में 12 फ्लैट्स जलकर खाकस्तर हो गए, जिनमें 6 फैमिलीज रहती थी, जिनमें माएँ बहनें बच्चे बुज़ुर्ग सब रहते हैं। तो सोचा कि उनके लिए भी कुछ इकदाम उठाया जाए और उनके लिए भी कुछ जमा किया जाए। चूँकि हमारे मज़हब ने हमें हारमोनी एंड कम्युनिटी, हारमोनी सिखाई है, पीस सिखाया है। और ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि अगर आप सोशल वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ मखसूस रिलीजन के लिए ना करें, अक्रॉस रिलीजन्स के लिए करें, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहां पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, जिनको भी कोई इशू होता है, तो हमारे वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लोगों का रिस्पॉन्ड काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक सामान जमा हो रहा है। 3 दिन से हमारा ये कैंप है। उम्मीद ये थी कि आज हम कैंप को क्लोज़ कर देंगे, लेकिन सोचा है कि नहीं, कल का दिन भी देखते हैं। हमारे पास चावल आया है, आटा आया है, तेल आया है, क्योंकि हम कैश वगैरह नहीं लेते हैं, हम इन द फॉर्म ऑफ काइंड लेते हैं, चाहे ब्लैंकेट्स हो, खाने पीने का सामान हो, जैसे आटा हो, दाल हो, चावल हो, मसाले हो, ये सब चीज़ें, या सोप्स, डिटर्जेंट्स, ऐसी चीज़ें लेते हैं। कैश से हम ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। जो भी आता है अपना सामान छोड़कर अतिया करके चला जाता है।